بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد हमारे लिए 101वें तरबियती प्रोग्राम पेश रखा के लिए बाइस मुसर्रत है कि हमारे दरमियान इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के नाम पर मुबल्लिग और अवामी खतीब खुश अलहान जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ही शीरीन जुबान अदा की हुई है और सोशल मीडिया पर भी खुसूस यानी जदीद टूल है दावत दीन का उस पर बहुत ही सरगर्मी के साथ और अब मौसर अंदाज में दावत दीन में मसरूफ़ अमल हैं। मेरी मुराद मौलाना नासिर मदनी साहब हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। साथ में हमारे डायरेक्टर जनरल इंचार्ज दावा अकेदमी डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब मौजूद हैं, हम इन तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। मौलाना नासिर मदनी साहब, मैं आपसे बस शुरका के हवाले से एक मिनट में करके आपके हवाले माइक करूँगा। दवा अकेडमी मुल्क पाकिस्तान के आइमाओं को दवा के लिए प्रोग्राम करती है, उसमें बिना तफरीक के मसाले तमाम ही मसाले की नुमाइंदगी होती है और मकसद ये होता है कि ये जो आइमा और दवा हैं किस तरह से मुअसर अंदाज में मसाजिद को दावत दीन के लिए इस्तेमाल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह दवा अकेडमी 100 ऐसे प्रोग्राम कर चुकी है, इसमें आर्मी के आइमा भी होते हैं और सिविलियन आइमा भी होते हैं। आर्मी के आइमा के लिए अलग प्रोग्राम होता है, सिविलियन आइमा के लिए 3 माह दौरानिए का प्रोग्राम होता है। एक को यहाँ पर रिहाइश खाना पीना दवा अकेडमी की तरफ से दिया जाता है, मुल्क पाकिस्तान से भी खुसूस और फिर इस्लामाबाद से हर मजमून पर मुतखस्सिसीन जो होते हैं उनको यहाँ इन्वाइट किया जाता है ताकि वो इनके साथ इंटरेक्शन करें। और 3 माह दौरानिए का ये तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद होता है ताकि हम जो दावत दीन है और उसमें दायाना किरदार है उसको मौसर अंदाज में ये पेश कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 101वां प्रोग्राम है जो आज कल ही शुरू हुआ है। तो मैं मौलाना नासिर मदनी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे शुरका से मुखातिब हों और नसीहत फरमाएं। इंशाल्लाह मौलाना नासिर मदनी साहब। मैं नहायत ही शुक्र गुजार हूँ इस माँ जनाब डॉक्टर इलियास साहब का और तमाम आइमा और साज़ा कराम का जिन्होंने दावा अकेडमी फैसल यूनिवर्सिटी के नाम से उर्फ आम में सोशल मीडिया पर लोग जानते हैं फैसल मस्जिद की नस्बत की वजह से। तो मैं आप जैसे नए कराम के सामने गुफ्तगू करना अपने लिए आज़ाद समझता हूँ क्योंकि आप एक अजीम लोग हैं जो इस जदीद दौर में लोग अपनी तरक्की के लिए अपने प्लाजो के लिए अपनी प्रॉपर्टी के लिए अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अपनी सोच अपनी फिक्र अपना लिबास अपना जान अपना माल अपना टाइम अपने तल्लुकात सोर्सेज ज़राए यूज़ करते हैं कि हमारा कारोबार बढ़ जाए, हमारे सोर्सेस जो हैं दुनिया में उससे फ़ायदा उठा लें। मगर आज सलूटियो कहता हूँ आप इस जदीद दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिया सोशल मीडिया और पूरी दुनिया के काम इस मोबाइल में आ गए, बैंक ट्रांजेक्शन और हल्ला गुल्ला और पूरी दुनिया के प्रोग्राम यानी सियासत सहाफत और दीन एक मोबाइल में आ गया, तो आप इस दौर में भी रहकर आप दुनिया की लज्जत को छोड़कर दुनियावी ज़राए अबलाग को दुनियावी सोर्सेस को छोड़कर आप एक आखिरी नबी के ऐसे सफ़ीर बन के जा रहे हैं यहाँ से कि उस सफारत खाने के लिए जगह की ज़रूरत नहीं है, उस सफारत खाने का एम्बेसडर बनने के लिए
तनहा की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ वो बातें करूँगा जो आइमा कराम पहले हम मसालक पे बात करते हैं कि हमारे असलाफ जो थे वो एक दूसरे मसलक के उलमा की ज़िंदगी के कितने खैरकार थे। हम तो एक दूसरे से मसाइल में हार जाए ना तो हम उसकी जान के दुश्मन बनते हैं, ये लम्हा फिक्री है, हमने अपने असलाफ से सीखा नहीं है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह कुछ वजूहात की बिना पे नाराज़गी हो गई, दूर हो गए। तो फिर उस दौर के लोग जो थे ना वो एक दूसरे उलमाए कराम को लड़ाती नहीं थी, उनको बैठाने की कोशिश करते थे कि ये इकट्ठे हो जाए। तो चूंकि उनका एक दोस्त था वो दोनों ही उलमाए कराम के दोस्त थे तो वो इकट्ठे कर दिए। उन्होंने चुपके चुपके बताया नहीं कि आज मेरे घर दावत है तो कौन कौन मेहमान आए, तो एक कमरे में बैठा दिया सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को और एक कमरे में बैठा दिया सनाउल्लाह अमृतसरी। और जब खाने की मेज़ पे खाना लगा तो इधर से वो निकले इधर से वो निकले और सेंटर में सरप्राइज ये हुआ कि वो एक दूसरे को देखते रहे ये क्या किया। अब क्या हुआ कि सभी ने सलाम भी ली, गले भी मिले, बैठे भी। ये होता है कि अहले इलम का हुस्न इंसान, ये होता है उनका तरीका या सलूक, ये होता है उनका दीन को फैलाने का अपना किरदार। कौमी किरदार से जिंदा रहती हैं, मीनारों से, प्लाजों से, मस्जिदों की खूबसूरती से जिंदा नहीं रहती। हम कौम हैं दीन वाली और हम कैसे अपना किरदार जिंदा रखेंगे, हमारे किरदार से दीन जिंदा रहता है कि फलां आलिम का ये किरदार था उसकी वजह से ये दीन यहाँ तक पहुँचा। किरदार की खुशबू कभी भी मर जाती नहीं है, ख़त्म नहीं होती, उसकी स्मेल हमेशा रहती है। इंसान मर जाता है उसका किरदार पूरी दुनिया पर, बल्कि दुश्मन की महफिल होती है, खर्चा उसका होता है, बिल्डिंग उसकी होती है, तस्करा आपका होता है, वो आपका नहीं होता, आपके किरदार का होता है। आप देखें हमने दोनों उलमाए किराम देखे नहीं है मगर अहले इलम की मजलिस में उनका जिक्र हो रहा है, क्यों हो रहा है? उन्होंने तो ये जगह भी नहीं देखी होगी जिधर हम बैठे हैं, तो क्या वजह है कि उनके किरदार की मैं बात करने लगा हूँ। जब वो मिडिल मैन था ना जो उनका भी दोस्त था, उनका भी उन्होंने पूछा ये आपने क्या किया, कहते जी मेरी ख्वाहिश थी, मेरा उनसे भी प्यार है, आपसे भी प्यार है, तो मैं चाहता था कि जब आपसे पूछता था कि आपके शाह साहब से क्या अख्तलाफ था तो कुछ कुछ भी नहीं, और जब उनसे पूछता तो वो कहते मेरे दिल में भी कुछ नहीं, तो आज वो दिल की बात मैं निकलवा के छोड़ूंगा कि आप मिलते क्यों नहीं है, जलसे में इकट्ठे नहीं होते। तो फिर शुरू किससे बात हुई, सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हुई कि उन्होंने कहा कि मुझे इख्तलाफ है जनाब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब से कि कादियान में एक जलसा हुआ तो खत्मे नबूवत के लिए मैंने बड़ा काम किया तो मुझे क्यों नहीं इन्वाइट किया उसमें। तो जब बात कर ली कहते बस यही बात है उनकी मेन बात, तो आगे से जो शाह साहब ने जवाब दिया ये सभी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक असासा है। ये बात कहने लगे कि मैंने इसलिए आपको कादियान में नहीं बनाया कि वहाँ खतरा था कि अगर हमला होता तो मैं अकेला ही जाया होता, मुझे ये उम्मीद थी एक मीनारा तो मैं छोड़ जाऊँ कि वो पीछे से दीन का काम करता है, मुझे अंदेशा था कि अगर वहाँ हमला हो, मैं दुश्मन के घर में बात करने जा रहा हूँ खत्मे नबूवत की, तो मैं अपने पीछे एक सिपाही छोड़ कर जाऊँ। ये था उन लोगों का दुनिया में किरदार के दूसरे मसलक के आलम की जान को कितना कीमती समझते थे। मगर हम क्या करते हैं, हम अमन कमेटी के अजलास में तो बातें करते हैं कि हम सब एक हैं, तो भाई ये हमें अमली तौर पे अपने दिल में खैर खाई लानी पड़ेगी। हम लोगों को कहते हैं कि मुसलमान मोमिन मोमिन का आईना है, तो भाई आईने का काम सिर्फ सूरत दिखाना होता है और ये कितना खूबसूरत आईना और कितना ईमानदार है, जब इसके आगे सूरत आती है तो उसको बताता है, मोश भी रहता है कि यहाँ दाग लगा है और वो साफ कर लेता है, जब वो हट जाता है तो दूसरा आदमी उसके सामने आता है, वो कभी चुगली नहीं करता शीशा के, उसके अंदर ये दाग था, ये कमी थी, और आपको मैं बताने लगा हूँ, वो उसको उसका ही अक्स दिखाता, बाकी रिमूव कर देता सब कुछ। मगर हम कैसे मुसलमान हैं कि हम एक दूसरे की बुराइयां अपने अंदर सेव भी कर रहे हैं, मेमोरी डाटा भी हम जमा कर रहे हैं, और उसमें से बजाय नेकियां जमा करने के वो डाटा जमा कर रहे हैं जो हमारे लिए हलाकत का सबब बने। तो हमें जो भी आलम मिले उसकी खूबियों से वो अपनी हंडिया खोले,
अंदर वाली जो हड्डियां है ना, अपना बर्तन वो खोले जिसमें आपको उससे सीखने का मौका मिले। ये कभी ना कहना कायदे आसन मदनी सभी तरह हमने इनकी गलतियां नोट करनी कि ये क्या क्या बयान कर रहे हैं, इसमें गलतियां क्या। आप जो अपने दिमाग का खाना खोल के बैठेंगे आपका दिमाग उस तरफ ही चलेगा। मियां साहब फरमांदे ने जो दुकान दे अंदर होवे ओह देवे बेचारा, कितों देवे तेनू लाल मुहम्मद गोरे बेचन वाला। आप ये बर्तन खोला करें किसी से भी मिले, मैं अपने से बड़े से किसी से भी मिलता हूँ ना उससे सीखता हूँ, उसके बयान से सीखता हूँ उनकी बातें। क्यों? उसकी 80 साल उम्र है, उसने जो जिस कड़े में गिरकर नुकसान उठाया है वो मुझे नहीं उठाना पड़ेगा अगर मैं उनकी बात पर अमल कर लूंगा, क्योंकि वो मुझे बचाएगा कि यहाँ ना गिरना। चमचा जो होता है ना, चमचा उलमाए किराम को ये मिसाल लाजमी अपने किताब में याद रखनी चाहिए। चमचा का होता है, चमचा जिस बर्तन में हो उस बर्तन का कुछ नहीं छोड़ता, खाली कर देता है। चमचा जहाँ भी होगा, चमचा बनना भी नहीं चाहिए, चमचा रखना भी नहीं चाहिए, चमचा जिस बर्तन में होगा बर्तन खाली हो जाएगा। और चमचा गिरी का मैं ये कहता होता हूँ, ये सोने का भी बन जाए चमचा चमचा ही रहता है। मगर आपको मैं इसलिए बताने लगा हूँ कि मस्जिद में आपको बहुत लोग मिलेंगे, मगर आपको मैं ये पहचान कराने के लिए बात करने लगा हूँ कि आपने उसको ये नहीं सोचना कि ये मेरा है। आपने सोचना है कि शैतान किसी वक्त भी इसके जरिए जिस सीट पे मैं बैठा हूँ इस पे हमला कर सकता है। मेरा जितना इलम है इसके पास इतना इलम नहीं है, जो मुझे सोर्सेज हैं इस्लाम के बारे में इसके पास नहीं है, जो मेरे पास रैफलें हैं इसके पास नहीं है, जो मेरे पास इस्लाम को पहचानने में और शैतान की और इस्लाम की नाती तफरीक करने में इलम है वो इस नमाजी के पास नहीं है। तो आपने क्या करना है, आप देखें गाड़ी एक छोटी सी है, लैंड क्रूजर लगा लें, V8 लगा लें, लैंड क्रूजर V8 TXTZ फॉर्चुनर BMW 4x40 अल्टस कल्टस रेंज रोवर लैंड इतनी बड़ी है। ये जितनी मैंने गिना दी है अल्लाह आप सबको दे, ना अमीन करें। ये क्या तमाम के लिए, हम मौलवी के लिए नहीं है। हमारे नबी के पास सबसे बड़ी गाड़ी होती थी, सबसे महंगी, सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी और सबसे बड़ी पर्सनैलिटी वाली सेलेब्रिटी वाली गाड़ी होती थी। क्या थी? मदीने में जो सबसे अच्छा ऊंट होता था, महंगा होता था, वो मदीने के सुल्तान के पास होता था। हुजूर को प्यार था वो सुर्ख ऊंटों से। तो इसका मतलब है कि आप लोग जो ये बात मेरी नोट कर लें कि वो जो चमचा होता है ना उसकी पहचान आपको जरूरी है। आप आज मैं कैसे, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपके पास 5 लोग बैठे हैं, जो आपको कहेगा ना कि ये घड़ा आ गया है मुझे नीचे उतर के देख लेने दो कितना है, वो आपका खैरकार है, आपकी गाड़ी कर रहा है। जो अंदर से बैठ के कहना जाने दो यार थोड़ा सा है, बाप जब गिर जाएगी कह रहे हो तो पता ही नहीं अंदर यार ये क्या हो गया। इसका मतलब है कि आप अपनी सफ़ों में पहचान कि भाई ये दीन से कितना मुखलस है, ये इस्लाम से कितना मुखलस है। आप अपने मफाद की तरफ ना देखें किसी को, जिस सीट पे आप बैठे हैं आप उस सीट की इज्जत को देखें कि ये इस सीट से कितना मुखलस है। कहीं वो आपको अपनी सदारत के लिए यूज़ तो नहीं कर रहा, कहीं वो अपनी खजानची गुना पक्का रखने के लिए तो नहीं आपको यूज़ कर रहा। और इमाम साहब जो होते हैं उसको मसल्ले पर बैठ के पता होता है कि ये पार्टी इतनी बोलती है इतनी बोलती, आपको चाहिए कि दोनों से उनके सामने मिलेगा, मुश्तरक दुआ करें, मुश्तरक सलाम लें। और जो आपका मुखालफ है कभी कभी उसके घर में दीन की रोशनी में जाकर चाय पी जाए, ताकि उसके पर दूसरे मुखालफ को पता चले जिसके सामने वो आपकी बुराई करता है उसको पता चलिए कल ही मौलवी साहब को चाय पिला रहा था आज उसकी बुराई कर रहा, तो वो खुद ही उसको रोकेगा कि यार मैं तो कहते हैं मौलवी साहब ऐसे हैं तो आपको उनके साथ ये ऐसे दुआ है। आपका वहाँ जाना ही उसका जवाब। मैं क्या तरीका तय करता हूँ, मेरे खिलाफ कोई भी बोले ना तो कभी अखबार उससे मुलाकात हो जाए तो उसकी तस्वीर अगर मेरे साथ हो या जलसे पे मुझे बुला ले तो मैं फौरन जाता हूँ। और दूसरे देखने वाले कहते हैं ये कल ये इसके खिलाफ बोल रहा था आज उसके साथ है, यही जवाब होता है सबका। तो आप भाई के लिए ये बातें ज़रूरी हैं, मैं करना चाहता था क्योंकि पंजाबी च कहते हैं मौका टाइम जो ना देखे वो खतीब कादा है, जड़ा मर्ज ना दसे वो तबीब कादा है, जड़ा दिला च ना वसे वो हबीब कादा है। तो आप जितने उलमाए कराम बैठे हैं मैं सलूट करता हूँ आपको, आप चमचा गिरी से बचना है। ये जो चमचे होते हैं ना ये लड़ाते हैं आपको। आप अहले इल्म तब ही हैं, वो मैंने वाकया जो आपको सुना दिया है कि आप मोमन का आईना है, आईने का काम सिर्फ दिखाना है। आप तमाम मसालक के लोग जो हैं आप इस नियत पे आ जाएं कि हमने उम्मत को रास्ता दिखाना है। आप तो अहले इल्म हैं, पढ़े लिखे आपको पता है
कि इस्लाम में अगर 4-5% कोई फरवी इख्तलाफात है तो हम ऊपर से ना शुरू करें, नीचे से ऊपर तक जाए, 96 पे जाए। 4% जो इख्तलाफ है वो जब 96% माहौल एक जैसा बन जाएगा तो 4 हम मोहब्बत में बैठ के कर देंगे बातें। तो इसका मतलब है उलमा इकराम को सबसे पहले तो उन लोगों से इज्तनाब करना चाहिए जो लोग आपको पार्टीबाजी में मुलव्वस करना चाहिए। मस्जिद में एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। खास करके हमें अपनी किताब में ये नहीं कहना चाहिए सदर साहब आप इधर बैठ जाए, ताकि दूसरे नमाजियों के दिलों में ये बात ना आए कि हमारी कोई हुईत ही नहीं है इधर। और खसूसी तौर पे आप जब मस्जिद में दुआ कराएं तो मस्जिद की बॉडी का नाम ना लेकर दुआ कराएं कि अल्लाह मस्जिद का सदर बीमारी को शफा अता करे, इससे माहौल दूसरी तरफ जाता है। आखिरी बात यहाँ मैं ये आपके सामने करूँगा क्योंकि ये आपके टाइम की भी है और साथ कराम की भी, और ये बहुत मशरूफ लोग हैं, हम तो जो है ना आप जो हमें सप्लाई कर देते हैं मोर्चों पर हम सुना देते हैं, आप किताबें लिखते हैं जो किताबें नशर करते हैं, हम तो आगे मोर्चों में बैठे हैं वो मेंबर पे हम सुना देते हैं स्पीकर पे, असल तो आप लोग हैं ना जो किताबें लिख के अब तक पहुँचाते हैं। मैं आपको एस एम पी यूनिट इसलिए कहा है कि फौज में जो यूनिट एस एम पी होती है वो सप्लाई की होती है, तो वहाँ सप्लाई करती है तो मोर्चों पर लोग लड़ते हैं, तो यहाँ तुम हमें सप्लाई कर रहे हो इलम और हम आगे लोगों को पढ़ के सुना रहे, हमें ना लिखना पड़ा ना लाइब्रेरी से किताबें देखनी पड़ी ना उसकी असल देखनी पड़ी, जो आपकी एंटिक लिखी किताब हमारे पास अदावत करने की पहुँचती है तो हम वो आगे पढ़ सकते हैं। अभी आपके लिए ये बात है कि आपने आगे जब मस्जिदों में जाना है तो वहाँ आपको बड़े मसाइल होंगे, आपका दिल करना है कि दस सलाम मौलवी के पास कितनी बड़ी बड़ी और मैं छोटी सी मस्जिद में इसका भी मैं आपको बताता हूँ। हज़रत इमाम शाफी जो है ना वो उनका नाम असल मोहम्मद बिन करी आप जानते हैं उससे ज़्यादा, तो वो यतीम और यमन से उनकी वालदा उनको लेकर मक्का, तो मक्का आकर उनको पढ़ने का शौक़ हुआ और इतनी ईमानदार औरत थी कि सारे मक्के के लोग उसके पास अपनी ईमान से रखते थे। ये बेंशक तो पढ़े हैं ना पहले अल्लाह वालों के किरदार की वजह से बैंक उनके घर में करते थे, तो अब तो हम हमारी बदकिस्मती है कि हमारी मस्जिदों के बहुत भी अब बैंकों में चले गए कि हमारे पास इतने ईमानदार बंदे ही रहे कि जिनके घर में पैसे हमारे महफूज रह सके। तो वहाँ मक्का में एक बैंक था वो इमाम शाफी की वालदा का घर था, उसमें जब पैसे लोग मानते रखते थे तो पढ़ने का शौक पैदा हुआ तो किसी आदमी से मौता इमाम मालक लेकर उन्होंने हिफ्स की। तो एक दिन वालिए मक्का के पास जाकर कहते मैंने मिलना है, बड़ों को मिलना बड़ा मुश्किल है इस दौर में भी उस दौर में भी बड़ा मुश्किल था, बड़ों से मिलना बड़ा मुश्किल होता है जो मुल्क के बादशाह होते हैं वजीर होते हैं, तो चले गए और उसको बोला कि मैंने मिलना ही मिलना है। जब इरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो तलाफेद मौजूद से वो ठहराया नहीं करते, तुम दिए वादे मुखालत से ना घबराए बाप ये तो जल्दी है तुझे क्या उठाने के। तो चले अंदर गए बादशाह को झुक के सलाम नहीं किया, जो आले इलम होते हैं ना वो बड़े खुददार होते हैं, उलमा इकराम के लिए खुददार होना सबसे बड़ी दौलत है, अगर वो खुददार नहीं होगा ना तो उसका इलम किसी के दिल में असर नहीं करता। ये सबसे पहले बात इमाम शाफी कह रहे और बिल्कुल उस तरह मिले जिस तरह बादशाह बादशाह से मिलते हैं, और मिले और बैठ के पता क्या कहने लगे, मैं आज आपके पास वो काम के लिए आया हूँ जो आपको मक्का में पूछो। कहने लगे क्या काम है, कहते आज तक आपने मक्का में कोई मदीना यूनिवर्सिटी मक्का यूनिवर्सिटी नहीं खोली जिससे कहा पैदा होता था वाली मक्का जो ना सहज फोकस होता है, कि मैंने सोचा था ये कहेगा मेरा सुई गैस का मीटर लगवा दो, ये सोचेगा मुझे बल्दिया में कोई गटर निकालने वाला रख लो, मुझे कोई मुलाजमत दे दो, मुझे ये कर दो ये कर दो। आपने तो ना मुझसे नौकरी मांगी ना कपड़ा, ये फटे पुराने कपड़ों में आप आए हो और आपने मुझसे क्या मांगा है, मुझसे यही मांगा है कि मुझे मदीना यूनिवर्सिटी या मक्का यूनिवर्सिटी का दाखिला चाहिए। तो हम जब उसे सुन करें उसने कहा ये काम तुम कर नहीं सका आज तक, तो कहते फिर करो लिखो वाली मदीना को खत कि यहाँ मैं आपके पास ये बच्चा भेज रहा हूँ और इमाम मालिक से सिफारिश करें कि मुझे दीन सिखा। वालिए मदीना के पास जो खाद वो भी आ गया, घर अपनी मामा को बोलते हैं कि प्यारी माँ मैंने दीन सीखने मदीने जा।
तो माँ का एक बेटा था, रोने लग पड़ी। तो कहने लगे, माँ मैं समझता हूँ कि मैं आपकी खिदमत करता हूँ, आपको संभालेगा कौन, आप इस वजह से रो पड़ी। तो वो जो उस माँ ने जवाब दिया था ना, काश हमारी माएँ भी ऐसी बनी। कहने लगी, बेटा मैं रोई तो इसलिए कि आज मेरा बेटा उस इलम के लिए जा रहा है जिस इलम के लिए दुनिया तरसती है, मगर आपको उस इलम पे खर्च करने के लिए मेरे पास एक दिरहम दिनार भी नहीं, मैं जवाब देकर भेजूंगा आपको। सर पे प्यार दिया, आंखों में आंसू, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की बात है। और फिर कहने लगी, हाँ बेटा मैं आपके लिए एक दुआ कर देती हूँ कि अल्लाह मेरा शाफी तेरे दीन के लिए जा रहा है, इसको किसी का मोहताज ना कर। जब निकले ना मदीना से मक्का से, एक कुएं के पास काफिला बैठा हुआ, वो काफिले से एक खूबसूरत इंसान बाहर आया। कहता, बेटा कहाँ जाना है? तो कहने लगे, मैं मदीना तो रसूल जा रहा हूँ और मैं दीन सीखने जा रहा हूँ, मैं हुजूर का मेहमान। उसने बोला, बिस्मिल्लाह, मेरी सवारी पर बैठे मेरे लिए सआदत है कि आप उस नबी का दीन सीखने जा रहे हैं वो जो आखिरी नबी है, और मेरा इसमें हिस्सा दर्ज है, आपके कलवाजमात मेरे सुने। ये माँ की दुआ का असर शुरू हो गया कि मेरा बच्चा दीन सीखने जा रहा है, किसी का मोहताज ना कर। जब बैठ गए ना उसकी सवारी पे, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आपने गाड़ी में किसी तालिबे इल्म को देख कर कहा है कि इसका किराया मैं दे देता हूँ, इसका किराया मैं दे देता हूँ? कभी हमने सोचा है कि एक तालिबे इल्म पहचाना जाता है कि ये मदरसे का तालिबे इल्म है, तो हम उसके कहें कि अगर इससे किराया लिया तो वापस कर दो, सही किराया मैं इसलिए इसका दे रहा हूँ, इसके पाँव के नीचे रिश्ते को अपने पर बिछा दो। और ये हुजूर का मेहमान, मेरा मैं इनका मेहमान हूँ ना, लिया साहब का, कभी रसूलुल्लाह के मेहमानों पे भी खर्च किया अपने जेब, कभी उनके लिए कोई इंतजाम किया हो कि ये बच्चा यही मेरे साथ पढ़ता है तो मैं इसका खर्चा करूंगा, मेरा बाबा अमीर है तो मैं जैकेट एक लेता हूँ उसके साथ, इसकी जैकेट भी ले लूँ। इमाम शाफी जब पहुंचे ना मदीना, तो अब वाली मदीना ने कहा कि ये खत लेकर मैं तो नहीं जा सकता इमाम मालिक के दरवाजे पर, इतने जवाहर जलाल वाले। ये था उलमा का करदार, ये था हमारे इस्लाम का करदार कि उनके दरवाजे पे बड़े बड़े आने पे दस्तखत देने से डरते थे, हम बड़ों के दरवाजे पे जाना सादा समय। मगर हमारा करदार था, हमारे अम्मा का, हमारे आइमा का ये करदार था कि उनके दरवाजे पर बादशाह दस्तखत देने से, गवर्नर दस्तखत देने से डरते थे कि कहीं हजरत अपनी इबादत में मशगूल ना हो या कहीं करार में ना आ जाए। ये हमें मिलता है अब करदार आइमा। और अगली बात नोट करने वाली है, अब जब उनके पास ये खत मिला ना कि वालिए मदीना खड़ा है दरवाजे पे, तो जलाल में आ गए इमाम मालिक रहमतुल्लाह। कहते हैं, अब नबी का दीन भी सिफारिशों से मिलेगा। कहते हैं, ये तो सारे दुनिया के लिए दीन आम है। तो अब जब इमाम शाफी को बोला कि अपना कारी लेकर आ, कहता जो मेरा कारी नहीं, मैं खुद ही कहा आपसे। फिर जब मौता इमाम मालिक सुबहानी सुनी तो हैरान हो गए, वो कहा चलो पढ़ना शुरू कर दो। जिस वाक्य के लिए ये मैं वाक्य शुरू किया है ना, वो बात तक मैं पहुंच गया हूँ। एक दिन इमाम शाफी पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते अपने लब से ज़मीन से एक तिनका लिया, अपने बाजू पे कुछ लिखा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस पढ़ाते पढ़ाते कि ना किसी तरफ देखते थे ना किससे बात करते थे, अपनी बात मुकम्मल करने में अगर बिच्छू का डंग भी खाने पड़े तो उन्होंने खाए मगर हदीस को बीच में नहीं छोड़ा। इतना अदब रसूल था, इतना हजूर के फरमान से लगाव था उनका। तो फिर जब वो फारग हुए, कहने लगे बेटा शकी दरा तुम शरारते कर रहे थे, क्या लिख रहे थे, क्या कर रहे थे? ये नीचे से दिल का पकड़। तो इमाम साहब की आंखों में आंसू आ, कहने लगे जी जो आपने हदीस रसूल पढ़ाई मेरे पास लिखने के लिए चमड़ा नहीं, कलम नहीं है, सारी नहीं थी। तो मैंने नीचे से दिन का लेकर अपने डब से अपने पास उठी जो आपने सुनाई है, और मुझे याद है आप सुन सकते हैं, मैं शरारते नहीं कर रहा। तो कहने लगा बेटा इतना जहीर और काबिल बेटा तुम मुझसे सवाल करते,
तो कहता मेरी मामा ने बोला था अल्लाह मेरे शादी को किसी का मुताज न करना, और मैंने अपने रसूल से सीखा है कि मेरा नबी तस्मा भी गिरता था तो खुद पकड़ते थे, मेरे महबूब की अगर घर में एक हंडिया में नमक कम होता तो वह नमक का सवाल भी नहीं करते थे। तो अगर मैंने उस हदीस से कुछ ना सीखा तो किस कोई मुझसे क्या सीखेगा। तो कौन कहने लगे कि मैंने अल्लाह का दीन सीखने के लिए जो है ना कभी किसी से सवाल नहीं किया, मेरा अल्लाह मेरे ना माफ कर दे। आज जिस मस्जिद में एसी ना लगाओ हम वहाँ हिफ्ज़ नहीं करते, जिस मदरसे में अच्छा खाना ना हो हम शिकायतें लगाते हैं कि इंतज़ामिया से क्या हमें अच्छा खाना नहीं मिला, या हमें खाने की बात भी करते हैं इमाम जहांगीर का मैं किसी से सवाल करना पसंद नहीं करता। हमें उम्मा इकराम को भी चाहिए सवाल से बचे। अगर हम सही तरह से आखिरी नबी के मैसेंजर हैं ना, पैगाम रसानी करने वाले डाकिए हैं, तो ये करदार फलाना हो। हज़रत इमाम बुखारी रहमत 40 दिन सफ़र में रहे और बीमार हो गए, वहाँ भी पेशाब का टेस्ट होता था, आज भी पेशाब का टेस्ट होता है ना, उस दौर के हकीम भी करते हैं। तो उन्होंने पेशाब का टेस्ट किया तो उन्होंने कहा इस आदमी ने कितने अरसे से शोरबे शोरबे से सालन से खाना नहीं खाया, तो इसकी बीमारी का इलाज भी शोरबे और सालन से ही है, ये सालन खाएँ। तो शिरतों ने पूछा इमाम बुखारी, हाँ बुखारी बुखारी तो सारा जहान करता है, बुखारी बुखारी सारा जग करता है, अपने रंग विच करता है, मगर जो बुखारी करते हैं कोई कोई करता है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से शिरतों ने कहा साथ सफर में जैसे, कहने लगे हजूर आपने बताया ही नहीं कि मैं सालन से खाना नहीं खा रहा। तो कहते भाई मैं इसलिए नहीं सालन से खाना खाता था, कहीं ये दुनिया के जायके मेरी जुबान पर न लग जाए और मेरा मिशन बीच में रह जाए, हदीस रसूल से जमा करता हूँ वो बीच में रह जाए, मैं अपनी ज़ुबान के जायके ही ख़त्म कर दी हैं हदीस रसूल का इलम हासिल करने के लिए और इस इलम को जमा करने के लिए अपनी ज़ुबान के जायके ही ख़त्म कर दिए। उन्होंने बोला जी अकीम साहब ने बोला है कि आप तो लाजमी आपको खाना पड़ेगा ये सालन, फिर ही आप ठीक होंगे। कहते नहीं, फिर भी कुछ शक्कर ले आए, मैं उससे रोटी खा लेता हूँ। पत्ते खा कर उन्होंने दीन सीखा और हम तक पहुँचाया। आज लोग बुखारी बुखारी इसलिए नहीं करते कि उन्होंने हदीस लिखी है, उनके करदार पे करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पे समझौता कर लिया कि जैकों से दुनिया से नजी दूरी अख्तियार कर ली, मगर जो हदीस न जमा कर गए आज पूरी उम्मत का इतफाक़ है उस किताब पर, उसकी वजह क्या है, उनका करदार छुपा है। तो हमें तो एक जलसे पे मटन ना मिले तो हम कह देते हैं इनको पता ही नहीं उलमा की इज्जत क्या होती है। मैं अपनी भी बात कर लेता हूँ, अल्लाह की कसम है ये वामी मौलवी तो सारा दिन सजदे में पड़े रहे तो शुक्र अदा नहीं हो सकता। एक मजदूर सुबह से लेकर शाम तक काम करता है ईंटों का, और क्या करता है ऊपरी मंजिल पे जाता है तो 1000 रुपया शाम को उसको मिलता है। तो हमें तो अल्लाह का फजल है कि जलसे पे लोग इतनी खिदमत कर देते हैं, अगर एक महीना बैठ कर खाते रहे तो वो खत्म ही नहीं। तो हमें तो चाहिए ना फिर हम अपने शोबे से मुखलस हो जाएं, हम अपने शोबे से मुखलस हो जाएं। अल्लाह की कसम उठाता हूँ आपके सामने, अगर हम अपने शोबे से मुखलस हो गए, मिंबर से मसल्ले से, और ये लोगों को बात पहुँचा दी कि हम ये काम करने के लिए आए हैं, ये जो मैंने बातें की हैं करदार की, ऐसा करदार हमारा आ जाए। मैं यहाँ एक बात और कौन कर देता हूँ आपको, क्या आपको ये बड़ी मसले आएंगी मस्जिदों में, ऑफरें आएंगी कि ये अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर लिया साहब, इधर अच्छा काम कर रहे हैं, इनको बड़ी ऑफरें आएंगी। यहाँ ये लाजमी करता हूँ आइमा के सामने बात ये जरूरी समझता हूँ, और बिल्कुल आप भी मेरे से एग्री करेंगे कि जरूरी बात थी अब्दुल मनान ने जो कहा 3 दफ़ा कहा है कि ये लाजमी करनी है। अब्दुल मनान नज़ीराबादी एक बहुत बड़े इमाम गुजरे नबी ने, और शैखुल कुल फिरकुल सैयद नज़ीर हुसैन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने दीन सीखा दिल्ली से। नबी ने थे तो उस्ताद ने कहा कि वहाँ हाउसफुल है, दाखिला नहीं हो सकता, राशन कम है, तलबा ज़्यादा। तो अपने बाबा को बोला कि शेख साहब से मुझे बात करा दें, और मैं कहूँ शाह साहब कि मैं दीन सीखूँगा, मगर आप इनको बोलना कि जो टुकड़े हैं रोटी के लग रखते जाएँ, जो गली सड़ी है मैं अपने घर से एक प्याला लूँगा और मदरसे से पानी लेकर रात वो टुकड़े भिगो दिया करूँगा और सुबह उठकर मैं खा लूँगा, मगर मदरसे का राशन इस्तेमाल नहीं करूँगा, मुझे हदीस रसूल सिखा। आज हमें कितने प्यारे डेस्क मिले हुए हैं, कितनी प्यारी मस्जिदें, कितने प्यारे हमारे पास कलीम, कितनी प्यारी मस्जिदों में हमें इनामी कितना माहौल है, वजीफे लगे हुए हमें कि दीन सीख लो, मगर हम नहीं सीखते। तो जब सीखते 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 पढ़ गए ना, कौन कहता है ये उलमा इकराम भाई मानी करते, उनको पता ही नहीं उलमा का किरदार क्या है, उनको क्या पता है।
कहते लगे ये क्लास फेलो कि अब्दुल मनान साहब आप नबी ने इतने जहीन है तो आप खाने खाना आप तो उससे ज्यादा आकदार मुफस्सिर कुरान बन गए, बुखारी हिफ्ज कर लिए, मुस्लिम शरीफ हिफ्ज कर लिए, सभी हदीसें आपके सीने में। कहते नहीं ला ईमान लिमन ला अहदलहु, उसका ईमान नहीं जिसका वादा कोई नहीं। मैंने वादा किया हुआ था कि मैंने इस मदरसे का राशन नहीं खाना, क्योंकि राशन कम था, तलबा ज्यादा थे, इसलिए मैं अपने वही वादे पे पक्का हूँ। वो आगे इधर वजीराबाद, तो लोगों ने तो उसकी कदर ना की, शुरू से ये काम चलता है। तो किसी दिन सैयद नज़ीर हुसैन दहलवी रहमतुल्लाह ने खत लिखा कि यहाँ आपको लोग वजीफा नहीं देते, आप दिल्ली आ जाए, यहाँ अपने मादरी इल्मी में पढ़ाएं, आपको जायद भी मिलेंगे तो अच्छा भी होगा। तो फिर वो खत का जवाब क्या लिखते हैं, ये आपके लिए नमूना है कि आप जिस मस्जिद में मेहनत करें उसको जिंदगी तक छोड़ें ना, तकलीफ में बर्दाश्त करें, क्यों वहाँ के लोग आपसे मनूस हो जाते हैं। आपकी वजह से अगर एक आदमी के दीन के साथ अटैच हो गया तो आपके लिए निजात के लिए काफी। वो क्या कहने लगे, उस्ताद जी अगर तो आपने हुक्मन कहा है तो मैं सर के बाल चलने के लिए, अगर आपने मेरी रोजी रोटी के लिए खत लिखा है तो एक खत आपको और लिखना पड़ेगा, किस पैगंबर ने दुनिया के लिए हिजरत की। अगर मुझे इस मस्जिद से हिजरत कराना चाहते हैं दिल्ली की तरफ तो एक खत लिखना पड़ेगा दुनिया के लिए। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाखों करोड़ों अरबों का कुछ पैदा करें कि ये मस्जिद छोड़कर दूसरी मस्जिद में आ जाओ। कभी मत जाना दिल के पकड़ में जंग के सीने के आपसे इस घर को आप करके जबान से कह दीजिए या ला इलाहा इल्लल्लाह के आसल दिलो दिमाग मतलब नहीं तो कुछ भी नहीं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती का। हमें जिस मस्जिद में जगह मिले शुरू से वहाँ ही जगह देनी चाहिए सारी उम्र। एक दिन आएगा तो बच्चे जो आपने पढ़ाए होंगे उनके कान में अजान कही होगी, फिर वो आपसे दीन सीखेंगे, फिर आप उनका निकाह पढ़ाएंगे, फिर आप उनके जनाजे पढ़ाएंगे, उनकी लड़ियाँ आपसे मुंसलिक हो जाएंगी, आपकी ये मोहब्बत लोगों के दिलों में गर्व कर देगी। DPO आपसे मोहब्बत से पेश आएगा, SHO आपसे मोहब्बत से पेश आएगा, IG आपको कहेगा कि सर एक दिन ये मुआशे में हमने खड़े होकर बात करनी, हमारे साथ खड़े होंगे। क्यों आप नहीं खड़े होंगे, आपको वो 35 साल का करदार और वो सोबतें, वो बर्दाश्त, वो तकलीफें, और जो दुनिया से किनारा कशी करके आपने हजूर के दीन के लिए लोगों को अपना बनाया, वो IG कहेगा कि मेरे साथ खड़े हो जाए। ये आपके लोग जाने वाले, आपकी वजह से हमसे बदतमीजी नहीं करेंगे, आपके जो काम है वो बोलेंगे। और आपके जाने के बाद आज MPA MLA बड़े बड़े मरते हैं, उनके जनाजे के वांस नहीं कोई लगाता, मगर आपके जो जनाजा वो 35 साल वाली मस्जिद से उठेगा ना, लोग उसको बांस लगाकर हाथ लगाने को भी कर देंगे और इतना रोएंगे कि जैसे उनकी अपनी माँ मरी होती, अपना बाबा मरा होता है, और इतना चिमटेंगे आपकी चारपाई के साथ कि वो कहेंगे कि बस हमारा हाथ लग आपकी पेशानी को चूमेंगे। क्यों चूमेंगे, आपने अल्लाह और उसके रसूल के दीन की मोहब्बत में अपनी सारी लवाजमात, वो लैंड क्रूजर वाली साइशें, वो जो ऐशो इशरत, वो जो ब्रांड के कोट, मैं कहता हूँ ये बड़ा आपके लिए लम्हा फिक्रिया होगा कि जब आपके पीछे 10,000 का कोट डालकर मुफ्ती खड़ा होगा और आप एक लंडे की कोटी डालकर 200 की आगे नमाज पढ़ा रहे होंगे, शैतान आपके बच्चों को कहेगा कि ये मस्जिद में 2 करोड़ लगा है, आपका घर एक लैटरिन के ऊपर बनाया हुआ है, टूटियों के ऊपर एक कमरा है और एक आपको छोटा सा वॉशरूम दिया है, आपके बच्चों को कहेगा कि दीन ना सीखना आपके अब क्या इज्जत है। ये देवबंदी भाइयों की एक मेरी दोस्त की मस्जिद है बंदी महावती खाली हमें, वो मस्जिद बहुत खूबसूरत और उनके इमाम की रहस जो है ना, बर्फ में छत गिरी, बेटियाँ मर गई, बच्चे मर गए। कसम उस दिन से ये बात मैंने अपनी तकरीरों का हिस्सा बना दी है ताकि मस्जिदों वालों को समझ आ जाए कि जिसने ये मस्जिद आबाद करनी है आपने उसके घर को इस तरह का बनाया है कि उसका परिवार ही सारा दुनिया से चले। तो आपके लिए ये बात मैंने की है कि आप अपनी ये बातें नोट कर ले के मस्जिद का हुजरा छोटा सा नहीं देखना, कोटी ब्रांड की नहीं देखनी, ये सारी 35 साल में आपने ऐशो इशरत तरक करके, और आपके मुक्तदियों ने आपसे क्या सीखा है, आपके पास पता क्या है इस दफा पाकिस्तान में क्या है पूरी दुनिया में मौलवी के लिए, आपने लोगों को कहा कि रिश्ता ढूंढने के वक्त आपने देखना बच्चा नेक है, तो आपकी पता क्या 35 साल में मेहनत का असर निकला है, वो मैं आपको बताऊंगा, आप सोचने के मजबूर हो जाएंगे।
आपने लोगों को कहा था कि ईमानदार ढूंढ, नेक ढूंढना, किरदार अच्छा हो। तो जब आपका बेटा जवान होता है, कभी मुक्तिदी ने पूछे कि वर्ण साहब आपके बेटे से आपसे बढ़ के नेक कौन हो सकता है? 35 साल हो गए, आप हमें पुछवाते, जनाजे पढ़वाते, निकाह पढ़वाते, आप हमें अपने बेटे का बेटी का रिश्ता, अल्लाह की कसम है रोना आता है। 30 साल एक मस्जिद में गुजार के इमाम अपने गाँव से अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढता है। तो ये हम में कमी है, हमने अपने लोगों की इतनी तरबियत ही नहीं की है कि वो आपसे रिश्ता पूछे। क्यों? हमने उनको कोठी बंगलों ये वो दुनिया की ऐशो इशरत में लगाया कि आप उनके घर में जाकर बैठना पसंद करते हैं। जो भी आपके मोहल्ले का करोड़पति, आप उसको बोले मेरे उजरे में बैठे आप, ताकि उसको एहसास हो कि वहां मेरा कमरा कैसा और मेरे इमाम का कमरा कैसा। ये आपको एहसास होना चाहिए, आपको चाहिए इन बातों को अपने साथ लगाएं। इंशाल्लाह आपकी औलाद जो है दीन से अटैच होगी अगर आप उनकी ऐसी तरबियत करेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ये बातें हमें सुनने और सुनाने और इस पर अमल करने की साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन आयात और अहादीस की तशरीह फरमा रहे थे। आप यकीन कीजिएगा मौलाना मदनी साहब की जो अंदाज़ा हुआ आपका, जो अवाम नास जब आपके सामने होते हैं तो अवामी अंदाज में उनसे गुफ्तगू करते हैं, आज आप जैसे अहले इल्म इनके सामने मौजूद थे तो आलिमाना अंदाज में बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसा किरदार अपनाने की तौफीक अता फरमाए कि जिस किरदार की बदौलत जो लोग हैं जो वो आपसे और आपकी आवाज़ से मुतासर होकर दीन की तरफ आए। मैं आखिर में डॉक्टर रियाज साहिब हफिज़ुल्लाह जो तबा अकेडमी के इंचार्ज हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मौलाना समदनी साहब का शुक्रिया भी अदा करें और इख्तितामी कलिमात से नवाजे मुख्तरम डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहिब के इंचार्ज तबा अकेडमी। मेरे बहुत ही मोहतरम भाई अल्लामा नासिर मदनी साहब, सच्ची बात है कि बहुत तकलीफ बख्शने वाली, हौसला अफजाई और दिल की गहराई से आपके लिए मोहब्बत के जज्बात हैं इस गुफ्तगू के बाद, जिस गुफ्तगू ने तकलीफ बख्शी है और आपने हम सब की और शुरका की हौसला अफजाई फरमाई है, वाकईतन ताजगी हुई है। अल्लाह ताला आपको सलामत रहे। इस तफसील में जाने का वक्त नहीं है कि दावा अकेडमी जो कुछ खैर के काम कर रही है वो यकीनन आपके इलम में होंगे और आपसे और मुल्क पाकिस्तान की अक्सरियत जो हमारे अहले इल्म की है उनसे मुखी नहीं है। ये हमारा सरमाया है, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये जो लोग इस वक्त तशरीफ़ फरमा है और आपकी गुफ्तगू मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बहुत ही हमारे लिए एक मुस्तकबल के लाया अमल के हवाले से बहुत मुफीद है। मैं कोई बात आपसे नहीं कहना चाहता इस मौके पर, अपने भाइयों से तो ख़ास तौर पर फिर किसी मौके पर, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप, और वो दर हकीकत बात नहीं है वो दुआ है, ये मेरे जो अभी आपने जिन जज्बात का इजहार किया और हमारे कुलूब की कैफियत, सभी ये सारा स्टाफ बैठा है सब ने महसूस किया है जो हमारी कैफियत है कि आपके लिए दुआ है कि आप जिस तरह से खैर का काम करने का इरादा रखते हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी हर छोटी बड़ी आजमाइश से, हसद से, फितने से, इब्तिला से हिफाजत हो। दिल से दुआ किसी के लिए करना ये बहुत बड़ी नेमत है। मैं आज से कोई तकरीबन 17-18 साल पहले हमारे यहाँ एक सरबरा थे इदारे के, उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, चूँकि मदरसे से दीनी रुझान से एक ताल्लुक़ था तो मैं जब उनके पास गया तो मैं अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए उनके पास कोई चीज़ ले गया।
तो वो मुझे फरमाने लगे कि एक कलम था कुछ और गिफ्ट था। तो कलम उन्होंने मेरे सामने कुछ दस्तखत वगैरह कर रहे थे तो वो कर लिए मेरे सामने, कलम का फौरन जो मैंने पेश किया उन्होंने, और कलम मुझे वापस कर दिया और कहा कि अब ये मेरा होने के बाद आपका हो गया, वापस कर दिया। और वो जो गिफ्ट था तो उसके बारे में उन्होंने फरमाया कि ये भी मुझे कबूल है लेकिन ये भी वापस आपको देता हूँ, इसलिए कि आप मेरे से ज़्यादा इसके मुस्तहिक हैं। आपने पता नहीं, और साथ कहा कि पता नहीं कितने दिनों की कोशिश और सोच विचार के बाद आपने ये किया होगा, कहा कि आपने मुझे ये एहसास दिला दिया, आपने जो बात फरमाई कि किसी के लिए, कहा कि मुझे आपने ये एहसास दिला दिया कि दूसरे के लिए भी कुछ करना चाहिए और मैं इंशाल्लाह ये ज़रूर अब करता रहूँगा। मैंने कहा मैंने इस तरह से, उन्होंने कहा नहीं बस ये मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान, लेकिन मुझे उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि आप मेरे बारे में क्या समझते हैं, आप इसलिए मुझसे मोहब्बत करते हैं कि मैं कोई खैर का काम करूँगा, इसलिए मोहब्बत करते हैं कि मैं कोई अच्छा आदमी हूँ, इसलिए कोई एक दो बात। तो उसका जवाब उन्होंने जो मुझे दिया वो जवाब मैं अपने सारे भाइयों से और आपके लिए वो शेयर कर। उस वक्त उन्होंने मुझे फरमाया कि आप अकेले बैठकर कभी अल्लाह के सामने ये कह दीजिएगा अपना नाम लेकर, मैं किसी हिकमत के तहत उनका नाम नहीं ले रहा, कहा कि आप अल्लाह के सामने बैठकर अल्लाह से ये कह दीजिए कि या अल्लाह मैं इस शख्स को बहुत अच्छा आदमी समझता हूँ, ये शख्स अगर तेरे दीन का, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन का काम करे तो ये बहुत खैर का काम कर सकता है, आप इसे इर्द गिर्द की चीज़ों से बचा लीजिए और इससे काम ले लीजिए, मेरे अल्लाह आप ये मेहरबानी फरमाइए, इसे किसी आजमाइश में ना डालिए। कहा कि आप अल्लाह से कह दीजिए, और मुझे उन्होंने कहा और कहा कि उसके बाद अगर कोई खैर का काम जिंदगी में मुझसे हुआ या मेरे किसी स्टूडेंट से हुआ या मेरी औलादों से हुआ, पूरे का पूरा हिस्सा आपका उसमें होगा। इसलिए कि हर बंदे में एक सलाहियत, एक मौका शनासी और एक मर्दम शनासी का मुख्तलिफ होता है। आपको अल्लाह ने जो बरकतें दी हैं, जो खैरियत आपके साथ वाबस्ता हुई है, आप इस मुल्क के लिए अल्लाह की हिफाजत फरमाएं। मैं अपने सारे भाइयों से कहूँगा कि सिर्फ सामने कहने की हद तक नहीं, आपने देखा मैंने कभी इस तरह की बात इस तरह नहीं करता मैं, लेकिन अब भी जो कर रहा हूँ वो दुआ के उसमें कि अकेले में जरूर अपने इस भाई के लिए दुआ, और इंशाल्लाह हम करें। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, आफियत हो, आप जिस मोहब्बत से तशरीफ लाए, वक्त दिया, अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत दे और जो काम आप खैर का करें उसमें हमारा हिस्सा, अल्लाह ताला आपको। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला